नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को पठानकोट कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करीब 4 साल पहले सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पठानकोट कोर्ट में दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। ये याचिका मुख्यमंत्री के 11 अप्रैल 2019 को किए गए उस ट्वीट के बाद दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को पुलवामा हमले के मामले में पाक पीएम इमरान खान द्वारा मदद करने से संबंधित ट्वीट किया था। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पठानकोट के रहने वाले स्थानीय वकील तरसेम लाल द्वारा एक मामला एडिशनल सेशन जज कुलभूषण कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया है। अब ये पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल 11 अप्रैल 2019 को अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर संकेत दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान के साथ कोई गुप्त समझौता है। इसके बाद तरसेम लाल ने केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि इसे एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अमन शर्मा की कोर्ट ने 9 जनवरी को खारिज कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता तरसेम ने पठानकोट कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसको लेकर एसडीएम कुलभूषण कुमार ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को तलब किया था, जहां केजरीवाल की तरफ से सीनियर वकील विक्रांत महाजन 28 अप्रैल को पटियाला कोर्ट में पेश हुए। इसके बाद बहस के लिए 19 अगस्त का दिन तय किया गया था। इसके अलावा ऑर्डर के लिए 22 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई थी, जहां से केजरीवाल को राहत मिली है। लेकिन दूसरी तरफ गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा दायर मानहानि केस में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। दरअसल पीएम मोदी डिग्री मामले में एक टिप्पणी को लेकर फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा मानहानि मामले पर रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से ही मना कर दी है। केजरीवाल ने इससे पहले हाई कोर्ट से मानहानि मामले पर स्टे देने का अनुरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया था। अब सीएम अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की रिविजन याचिका पहले ही हाई कोर्ट में पेंडिंग है, ऐसे में नई याचिका पर सुनवाई की जरूरत नहीं है। बता दें कि पीएम मोदी की डिग्री मामले में एक टिप्पणी को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी ने सीएम अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। बहरहाल हमारे इस खबर में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।